हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम सोशियोलॉजी का पीजीटी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि यूपी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है 2022 की, तो उसी से रिगार्डिंग मैं ये सिलेबस आज यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये है हमारा सोशियोलॉजी का पीजीटी सिलेबस। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, उसका ये सिलेबस है सोशियोलॉजी का। ठीक है, हिंदी में है ये। अगर आप इंग्लिश में भी चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ, एक और बात, जो ये पीडीएफ है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आज अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो अच्छा है, अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ठीक है, जिससे आप इसे डाउनलोड कीजिए और अपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाई वन हम एक एक पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले पूछा जाएगा समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, ठीक है, और है समाजशास्त्र की उत्पत्ति, विकास के बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है, एंड समाजशास्त्र का अन्य समाजों के साथ क्या रिलेशन है ये पढ़ना होगा, समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक में क्या क्या आएंगे, देखिए ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्खाइम, मैक्स वेबर, और भारतीय विचारक में आएंगे हमारे अरबिंदो, गांधी, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की फिर अध्ययनत प्रवृत्तियां हमें पढ़नी होंगी, जैसे प्रकार्यवाद, संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटना शास्त्र, है ना, प्रमुख सामाजिक संस्थाएँ पढ़नी होंगी, जैसे कि परिवार आ जाता है, ठीक है, विवाह, धर्म, और प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं पढ़नी है जैसे सहयोग, संघर्ष, प्राथमिक अवधारणाओं पर हमें पढ़ना होगा, सामाजिक समूह, ठीक है, और समिति पढ़नी होगी, संस्था, समुदाय, सामाजिक स्तरीकरण, भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव सामाजिक संस्कृति, व्यक्तित्व, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। आगे देखते हैं सामाजिक परिवर्तन, हिंदू सामाजिक संगठन में वर्ण आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म का सिद्धांत, हिंदू विवाह, संयुक्त परिवार, मुसलमानों में विवाह एवं परिवार, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदार संगठन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित समस्याएं, भारतीय स्त्रियां और उनसे संबंधित समस्याएं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, मैं सब पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं IRDP, है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज, पाश्चात्यकरण, संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, देखिए अब सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, संरचना गतिशीलता, उद्यमिता, औद्योगिकरण, विकास, उत्प्रवास एवं नगरीकरण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नगरीकरण की समस्याएँ भी पढ़नी है, भारतीय नगरीय नीति, भूमि एवं कृषि सुधार पढ़ना है, सामाजिक स्तरीकरण एवं परिवर्तन, जाति वर्ग, ग्रामीण शक्ति संरचना, उभरता नेतृत्व, है ना, सामाजिक विघटन की अवधारणा भी पढ़नी है, व्यक्तिगत विघटन, परिवार विघटन, अपराध में बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध, उसके कारण, सुधार उपाय, फिर सामाजिक समस्याएं जाती हैं जिसमें बेकारी, निर्धनता, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, जनसंख्या की समस्या और समाज कल्याण कार्यक्रम। तो आप देख सकते हैं आपका ये सिलेबस जो है, ठीक है, इसकी पीडीएफ तो आप बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा, पर सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। साथ ही साथ जो मैं अपने चैनल पर MCQ करवा रही हूँ, MCQ की मैंने एक अलग सी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें आप जाके देखिए, इन सभी जो ये ऊपर मैंने आपको टॉपिक बताए इन सभी से रिलेटेड उसमें बहुत सी बन रखी हैं ऑलरेडी वीडियोस, वो देखिए। साथ ही साथ अब मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी जो कि इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है, तो आप उन्हें भी देखिएगा, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगी कि PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूँगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं प्रोवाइड वहीं पर करवा दूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।